आनंद मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का मेरा टॉपिक है टॉप बेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। तो चलो शुरू करते हैं और ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको एक अच्छा मैं इंफॉर्मेशन दे सकूँ। तो बने रहिए इस वीडियो एंड तक। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर बुक आती है, उस बुक का नाम है एज अ मैन थिंकर। उस बुक के ऑथर है जेम्स एलन। इस बुक में आपको इस वेरी स्मॉल बुक है लेकिन बहुत पावरफुल बुक है, यानी सिचुएशन में आपको रीड करनी चाहिए। एक विजडम इज़ अबाउट थिंकिंग, किसी हमारे थिंकिंग है उसके ऊपर हमें नॉलेज देती है, पॉजिटिव और नेगेटिव इसके बारे में आदमी को, हमारी सोच ही आदमी को बनाती है। तो इस बुक से आप ये सब सीखेंगे। तो सेकेंड नंबर पर आती है बुक जो मुझे अच्छी लगी और मैंने खुद अपने पढ़ी है। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस बुक के ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, जो मल्टी मिलियनेयर है और बने भी इस बुक से। तो इस बुक में आपको फाइनेंशियल प्लानिंग समझ में आने आएगी, व्हाई द रिच पीपल रिच होते हैं और पुअर पीपल पुअर क्यों होते हैं, इस थिंकिंग के बारे में बताया है। और उसके एक लड़का रहता है, उसके दो डैड रहते हैं, एक रहता है रिच डैड और दूसरा रहता है पुअर डैड। इन दोनों की थिंकिंग मेंटेलिटी इस बुक में आपको देखने को मिलेगी। और उसमें हमने बहुत सारा नॉलेज, एक फाइनेंशियल लिटरेसी जो है जो आनी चाहिए वो हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, इस बुक में आपको देखने की मिलेगी। तो थर्ड नंबर पे बुक आती है स्टार्ट विथ वाई। इस बुक के ऑथर है सिमोन सिनेक। और इस बुक को हमेशा एक बिजनेस मैन, प्रोडक्ट मेकर और मार्केटिंग स्टाफ को हमेशा पढ़नी चाहिए। कौन सी भी चीज़ हो, लाइफ का पर्पज़ हो या कोई कौन सा काम करना हो, आपको वाई आपका पता चले तभी आपका जो काम है वो आप अच्छी तरह से और उसके गुड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। काम हमें क्या होता है कि ऑथर क्या बोलते हैं कि व्हाट और हाउ से बहुत इम्पोर्टेंट है वाई। तो वाई अगर आपका क्लियर हो तो आप ज़बरदस्त, इस बुक के अंदर आपको ज़बरदस्त मैसेज दिया है ऑथर ने। तो ये बुक मैं स्पेशली थर्ड नंबर पर रिखा तो रिकमेंड करता हूँ इस बुक का आप पढ़े। तो चौथे नंबर पर आता है उस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। इस बुक के ऑथर है बाय डेल कार्नेगी, अमेरिकन ऑथर है लेकिन बहुत ही फेमस ऑथर है जिन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है। उन्हीं में से एक बुक है, उस बुक का नाम है जो अभी मैं आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस वीक में आपको बुक में आपको एक सोशल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और इंटरेस्ट इन पीपल और आपको लोगों को कैसे जज करना है, मोटिवेट करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें जो स्किल्स रहता है वो आदमी के अंदर, ये बुक में आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा इस बुक आपको ज़रूर पढ़े। आपका जो फ्रेंड सर्कल इन्वायरमेंट, जो आपका नेटवर्क बना रहे, इस बुक को आपको पढ़ना ही चाहिए। और फिफ्थ नंबर पे आती है उस बुक का नाम है द पावर ऑफ हैबिट। इस बुक के ऑथर है चार्ल्स डूइंग। इस बुक में आपको एक हैबिट की पावर क्या होती है इस बुक में आपको समझाया कि समझ लो कि हैबिट हमें हमेशा, हमारा फ्यूचर हम नहीं कंट्रोल कर सकते लेकिन फ्यूचर हम जरूर हमें हमारा हाथ में, अब्दुल कलाम जैसे क्या है कि वी कैन नॉट कंट्रोल अवर द फ्यूचर बट वी कंट्रोल अवर हैबिट्स एंड हैबिट्स कैन वी कैन चेंज इन अ सक्सेस। सो हैबिट ही आदमी को अच्छा, आज तक जो मिलियनर्स बने हैं, सक्सेसफुल बने, उनके हैबिट्स आप देखोगे तो हैबिट टॉप लेवल की होती है। तो इस बुक में आपको हैबिट की पावर क्या होती है इस ऑथर ने आपको वो मैसेज इस बुक के अंदर दिया है। तो इन शॉर्ट में आप बताते जाऊंगा। और सिक्स नंबर पे जो बुक आती है उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक के ऑथर है नेपोलियन हिल। तो ये बुक मैंने पढ़ी है और आपको मैं स्पेशल रिकमेंड करूंगा इस बुक को अभी आप पढ़े। तो इस बुक में क्या बना है कि आदमी की सोच और रिच होने में क्या डिफरेंस है और थिंकिंग से ही हम क्या कैसे ग्रो होते हैं, इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। सक्सेस क्या होता है, आइडियाज़ कैसे जनरेशन होती है, डिग्निटी क्या रहता है, रिस्पेक्ट क्या रहता है, मनी क्या रहता है, तो ये सब चीज़ें इस बुक के अंदर बहुत सारी मिली जुली है। तो इस बुक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और जो सेवन नंबर पे आती है, जैसे कि सेवन है तो डिजिट से ही पता चलता है, तो सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है वर्ल्ड के अंदर, जिन्होंने इस बुक के ऑथर है स्टीफन कन्वे, जिन्होंने बहुत सारे जो सेवन हैबिट्स है द इफेक्टिव पीपल की उन्होंने डिस्क्राइब किया है। मतलब एक एक हैबिट लेके इसका डिस्क्राइब किया है, जैसे कि वेल कैरेक्टर कैसे है, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज कैसे रहती है, इफेक्टिव आप कैसे बने, गुड लीडर के कौन सा कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, सब जो स्किल्स है वो एक लीडर के अंदर रहना चाहिए, इस बुक में उन्हें डिस्क्राइब किया है। तो इस बुक को भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को भी पढ़ें। और जो सेवन एट नंबर पे आता है वो है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो इस बुक के ऑथर है डेविड जे स्कॉच। इस बुक की मतलब क्या है कि पॉजिटिव थिंक करने से और बिग थिंकिंग करने से आपकी क्या चेंजेस आते हैं, इस बुक में आपको इस ऑथर ने कहने की कोशिश की है। तो बहुत ही अच्छी बुक है ये, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए एक बुक जब फ्री टाइम रहे। तो
तो ये सब मैं अभी क्यों बता रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो इन सबको आप 20 बुक को आपको एक अमेजोन का किंडल, वहाँ से आपको ऑडियो बुक्स मिल सकते हैं, पीडीएफ में भी अवेलेबल है। इस बुक्स को और भी आपको एक नॉलेजेबल थिंग्स आपको मिलती है। और 9th नंबर पे आता है अनलिमिटेड पावर। इस बुक के ऑथर है एंथनी रॉबर्ट्स की अनलिमिटेड पावर, पावर इन द सेंस कि एक इस बुक में आपको एक बुक की पावर क्या रहती है, उस बुक में आपको एंथनी रॉबर्ट्स बताना चाहते हैं कि ये दी वन ऑफ द बेस्ट बुक है वर्ल्ड के अंदर। तो ये बुक में हमें स्पेशली 9th नंबर पे रखा है, तो ये स्पेशल रिकमेंड करूँगा। इस बुक में आपको भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, तो आप जरूर जाके उसको ऑडियो बुक्स आपको जरूर सुने। और लास्ट और फाइनल बेस्ट जो बुक है तो मुझे अच्छी लगी, तो सेम ऑथर है डेल कार्नेगी, और इस बुक का नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट द लिविंग। इस बुक के ऑथर है डेल कार्नेगी, और इस बुक में ऑथर कहना चाहते हैं कि हाउ टू ओवरकम द फियर वरी स्ट्रेस से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, मीनी प्रैक्टिकल वेज रहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस बेस्ड प्रैक्टिकल बुक है ये, जो शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज में आप कैसे उन बुक को आप कैसे सिचुएशन को और उसको हैंडल कर सकते हैं, इस बुक में उन्होंने बताया। तो ये रही मेरे जो मैंने अपने वीडियो में बनाए, ये टॉप 10 बुक्स है दुनिया के अंदर। तो मैंने 2-4 वीडियोस कलेक्ट करके देखा कि ये सब बेस्ट बुक्स थी, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो मैं एक एवरेज बताता हूँ कि बुक्स पढ़ने के बेनिफिट्स क्या रहते हैं। आपका कम्युनिकेशन बेटर रहता है, आपका नॉलेज में ग्रोथ होती है, आपकी थिंकिंग मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। द सेल्फ मेड जो मिलियनर्स है तो एवरी मंथ में 2 बुक्स पढ़ते हैं, एक सीवी एवरेज सीवी कंपनी का वो ईयर में 60 बुक्स पढ़ते हैं। तो पढ़ते रहिए, अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।